शंघाई आवासीय परिसर में प्रतिबंध में ढील। शंघाई सामुदायिक रोकथाम उपायों और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियों में विकास के आधार पर पहुंच प्रतिबंधों में ढील दे रहा है। हमारे चैनल होम बिज बिलियनेयर को देखने के लिए आपका स्वागत है। आप ऑनलाइन होम बिजनेस से सीख सकते हैं और कमा सकते हैं। ताज़ा खबरों, वीडियो और फिल्मों से बने रहें। अधिकारियों ने घोषणा की है। शंघाई सिविल अफेयर्स ब्यूरो के उपनिदेशक जेंग क्यून ने कहा, आवासीय परिसरों के प्रवेश प्रबंधन को उचित रूप से ढीला किया जाएगा। जबकि कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आने वाले देशों से आने वाले लोगों के लिए सख्त संगरोध के उपाय प्रभावी रहेंगे। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेंग ने कहा, पड़ोस और ग्राम समितियों को उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर आवासीय परिसरों के प्रवेश द्वार पर आने वाले लोगों और वाहनों के सूचना पंजीकरण को रोकने की अनुमति है। ब्यूरो के अनुसार आवासीय समुदायों में पंजीकृत वाहनों को भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है यदि वे आवासीय परिसरों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हालांकि आवासीय परिसरों के प्रवेश द्वारों पर चौकियां बनी रहेंगी और सभी आगंतुकों को अभी भी अपने शरीर का तापमान जांचना आवश्यक है। मेंग ने कहा, असामान्य तापमान वाले लोगों को सूचित किया जाना चाहिए और उचित उपचार के लिए अधिकारियों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। जेंग ने कहा कि शंघाई लौटने वाले निवासियों को भी अपने आवासीय परिसरों में अपनी जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है। जो लोग आवासीय परिसरों के निवासी नहीं हैं, उन्हें प्रवेश के लिए अपने स्वास्थ्य QR कोड को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जेंग ने कहा, खाद्य वितरण, एक्सप्रेस वितरण और घर से चलने वाले श्रमिकों और वाहनों को अब आवासीय परिसरों में अनुमति दी जाती है। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शहर में अधिकांश आवासीय परिसरों में प्रवेश करने से पहले प्रसव श्रमिकों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ब्यूरो के अनुसार रिश्तेदारों या दोस्तों के घर जाने वाले लोगों को अनुमति दी जाती है और यही सेवा जैसे घरेलू सहायकों, नर्सों, सार्वजनिक उपयोगिताओं के मरम्मत कर्मियों, रियल एस्टेट एजेंटों और उनके ग्राहकों पर लागू होती है। जेंग ने कहा, गृह नवीकरण श्रमिक अग्रिम में आवासीय परिसरों में प्रवेश कर सकते हैं यदि उनकी कंपनियां पड़ोस और ग्राम समितियों और संपत्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ पंजीकरण करती हैं। उन्हें लिखित रूप में यह भी वादा करना चाहिए कि उनके काम से निवासियों के सामान्य जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आवासीय परिसरों के अंदर बाहरी सांस्कृतिक खेल, मनोरंजन और अवकाश स्थलों को भी फिर से खोलने की अनुमति है। फिर भी जैसा कि जेंग ने समझाया, अनावश्यक सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों को इकट्ठा करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं अभी भी प्रतिबंध है। जेंग ने कहा, आवासीय समुदायों को सार्वजनिक सुविधाओं और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई और कीटाणुशोधन, वेंटिलेशन, कचरा छांटना और पर्यावरण सुधार के साथ जारी रखना चाहिए। जेंग ने कहा कि 14 दिनों में प्रमुख देशों में रहने या यात्रा करने वाले लोगों के लिए होम क्वारंटाइन का सख्त कार्यान्वयन भी आदेश दिया गया है। जेंग ने कहा, प्रत्येक जिले में अस्थायी अवलोकन स्थलों पर पहुंचने के बाद यात्रियों को कोरोना वायरस के लिए न्यूक्लिक एसिड परीक्षण से गुजरना होगा। केवल नकारात्मक परीक्षण के परिणाम वाले लोगों को जिला अधिकारियों द्वारा 14 दिन की संगरोध से गुजरना होगा। संगरोध प्रोटोकॉल तोड़ने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जेंग ने कहा, आवासीय समुदायों में घरेलू संगरोध उपायों के नियम, मानक और कार्यान्वयन चीनी और विदेशी दोनों के लिए समान हैं। होम बिज बिलियनेयर चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आपके ऑनलाइन घर व्यापार के अवसर, यदि आप हमारे चैनल को वास्तव में पसंद करते हैं, लेटेस्ट न्यूज और मूवी देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।